प्लेट और कुबड़ तुम्हारा डिनर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है, वो स्कूल गई हुई है और हमने आज सारा दिन क्या क्या किया वो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। उससे पहले आपको देखना है कि कू टिफिन में क्या लेकर के गई। मुझे देख करके तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि घर की पूजा हो चुकी है। जी हाँ, पूजा हो चुकी है। मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक कू भी आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, तो आज सबसे पहले कू के टिफिन में जा रहा है ये बटर पेपर। जी हाँ, इस पेपर के बाद जाएगा पाव। मैंने पाव सेके हुए हैं उसके लिए, क्योंकि कल जो पाव भाजी बनी थी तो कुहू ने बहुत रिक्वेस्ट करके मुझसे कहा, मामा प्लीज़ मुझे सुबह टिफ़िन में यही चाहिए। मैंने कहा ओके बेटा, तुम्हें यही मिलेगा, क्योंकि पाव तो एक्स्ट्रा थी हमारे पास। तो यहाँ जा रहा है पाव और मैंने उसके लिए भाजी जो है वो निकाल करके पहले ही रख लिया था। तो ये भाजी है, हाँ ये पाव भाजी हो गया। ये जा रहा है एक लड्डू, ये कुछ लिटिल हार्ट वाले बिस्किट। तो ये है कुहू का टिफिन, पाव भाजी, लिटिल हार्ट बिस्किट, लड्डू। यहाँ पे मैं एक टिश्यू भी रख देती हूँ उसके लिए। इसको पैक कर देते हैं इस तरह से। नहीं, एक काम करते हैं, ये टिश्यू रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस सेक्शन का जो रबर था वो तो कुहू बहुत पहले खो चुकी है, तो ये भी सिक्योर रहेगा। ये हो गया उनका टिफिन पैक। ऐसा पता नहीं क्या है कि जब क्लास के लिए निकलने वाले होते हैं हम लोग, तो कभी चप्पल भूल जाती हूँ, कभी चश्मा भूल जाती हूँ, कभी चाबी भूल जाती हूँ। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कि हम जब घर से बाहर निकले तो एक ना एक चीज आड़े आती है। पता नहीं ऐसा क्या है, हमेशा कोशिश करते रहे आज तो जल्दी चले जाएंगे। अब देखो दरवाजा नहीं लग रहा, आज तो जल्दी चले जाएंगे, आज तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहती। ये है आज कुहू का लुक। आज वेस्टर्न में जा रही है और मैं जा रही हूँ इंडियन में। हाथ में कूड़ा लिया हुआ है, कूड़ा भी फेंकना है। यहाँ मैं कूड़ा ड्रॉप कर रही हूँ, लेट है, कूड़ा फेंकना, ताला लगाना, घर से निकलना, सच में घर से निकलना बहुत टफ है। बात तो सही है। हमेशा लेट हो जाता है, जितना भी चाहो जल्दी जल्दी करो बट लेट हो ही जाता है। और ये रोज एक फूल तोड़ के ले जाती है। अरे बंच ले जाया कर बढ़िया से, अच्छे से बना करके दो लेके आई है। क्या करती है मैम, बाल में लगाती है? चलिए इनको क्लास छोड़ दे, बहुत लेट हो गया है। A few moments later. कुछ दिन पहले पांडे जी ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ हाफ शर्ट खरीदनी है, चलो लेकर के आते हैं। तो इत्तेफाक से हम लोग मार्केट में ही थे तो हमने खरीदी पांडे जी के लिए कुछ हाफ शर्ट्स, क्योंकि समर आ चुका है। तो यहाँ मैं उनकी चूज कर रही हूँ शर्ट की, कौन सी आप पे अच्छी लगेगी कौन सी नहीं। तो यहाँ कई सारी बिखरी हुई, उनमें से हमने कुछ शर्ट उनके लिए खरीदी। और मैंने कहा कि देखो ऑफ सीजन है इस समय ना, ये कोट ब्लेजर ये सब बड़े सस्ते मिलते हैं, लेके रख लो, तुम्हें ऑफिस में काम आएगा। तो यहाँ इनको एक मैंने ब्लेजर भी दिलवा दिया जो अगले ठंड में पहनेंगे। ये बढ़िया था गुरु। तेरे हवाले कर दिया आ गया इडली सांभर चटनी के साथ में। खाओगे पंडित? यहाँ मैंने डिनर की तैयारी करना शुरू कर दी है और इसमें सबसे पहले बन रही है मूली और साग की सब्जी, यानी मूली और उसके पत्ते की सब्जी, जो मुझे बेहद पसंद है। जी हाँ, और इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार की फली। मैं पढ़ी लिखी हूँ, गवार नहीं हूँ, लेकिन ग्वार की फली खाने का मन कर रहा था तो आज मैं बना रही हूँ ग्वार की फली। तुम्हारा क्या स्टेटस है, पढ़ी लिखी हो या गवार हो? पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हें भी हम गवार खिलाएंगे यार। पर मैं साग नहीं खाऊंगी। नहीं, साग नहीं खाना, तुम गवार खा लेना, थोड़ी मोड़ी गवार तो हो। वो बीन्स टाइप का होता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने बचपन में जब मैं खाती थी, मेथी का तड़का लगा करके बनता था घर में, हाय बहुत अच्छा लगता। बायल हो क्या?
तो ये सब्जी ऑलमोस्ट यहाँ तैयार हो गई है, गैस करते हैं ऑफ। मूली की सब्जी के बाद बनकर तैयार है मजेदार सी मसाले में लिपटी हुई ग्वार की फली। जी हाँ, ये ग्वार की सब्जी भी जैसे ऑथेंटिक ट्रेडिशनल सब्जी बनती है बिल्कुल वैसी बनाई है। शूट नहीं कर पाई हूँ, पहले आप देख लीजिए फिर कारण भी बताऊंगी। तो ये ग्वार की फली की बेहतरीन सी सब्जी मसाले के साथ कोटेड एकदम तैयार है। अभी प्लेट लगाऊंगी तो आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। डिनर बनके तैयार है, ग्वार फली की सब्जी, मूली की सब्जी। अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मेथी का तड़का दीजिए और ये सब्जी बनाइए भाई, बहुत बेहतरीन स्वाद आता है। बात तो सही है। मैं शूट नहीं कर पाई, कारण ये था कि शाम को बहुत सारे काम एक साथ आ गए थे। उसे क्लास से लेकर के आई तो सब्जी वाला आ गया, सब्जी रखी, देन फिर उसका चाय नाश्ता, रुको जरा, उसकी क्लास शुरू हो गई। उसके बाद कुहू को आज मैंने बोला कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास काम ज्यादा है, तुम किचन में ही बैठो और अपना जो भी रीडिंग या जो भी होमवर्क कर रही हो मेरे सामने करो। तो किचन में बैठी थी तो मैं उसे इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी बार बार कि मैं उसे रोकूं और शूट करूं, तो मैंने खाना बनने दिया अपनी तरह से। वो पढ़ती जा रही थी, मैं सुन रही थी और खाना बना रही थी। अच्छा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ आपको ग्वार फली को बड़े बड़े स्लाइस में काट करके बॉईल करना है। उसके बाद अदरक लहसुन मिर्च के पेस्ट में मेथी दाना के तड़के के साथ उसको सॉटे करना है, फिर सारे पाउडर मसाले डाल करके उसको सिम पे छोड़ देना है। दैट्स इट, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस इसको बॉईल करके बनाना है जिससे वो बहुत ज्यादा गला भी ना हो, ऐसा नहीं कि पूरा गल जाए वो सब्जी, हल्का सा बॉईल, एक आधी सीटी वाला बॉईल। और टमाटर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। ये सब्जी इतनी अच्छी लगती ना गर्मा गर्म फुल के रोटी के साथ कि मतलब कोई वो ही नहीं, यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मूली की सब्जी में भी कुछ भी ऐसा नहीं था। मूली की सब्जी में क्या था, तड़का दिया अदरक लहसुन मिर्चे से और नमक डाल करके उसको सिम पे पकने दिया और अच्छे से फ्राई करके उसका पानी हटा दिया। दैट्स इट। अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, उसके बाद जैसे ही प्लेट लगाऊंगी मैं आपको डिनर प्लेट के साथ मिलूंगी, ठीक है। तो यहाँ लग चुकी है कुहू के डिनर की प्लेट, दो रोटी, ग्वार फली की सब्जी और ये मूली की सब्जी। देखिए मैं दूंगी तो जरूर उसको दोनों सब्जी, अब वो क्या खाती है वो उस पर डिपेंड है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चलिए चलते हैं कुहू के पास। बैठी कहाँ अभी, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा। तो ये उसका डिनर का प्लेट। तो ये है कुहू के डिनर की प्लेट और कुहू बेड। ये कहाँ गायब है, यहाँ तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे हो क्या। 3, 2, 1 तुम्हारा डिनर। थैंक यू। तुम्हारा डिनर। गाना सुन रही हो क्या? ओके तो मैंने कुहू को डिनर दे दिया है, वो खाना खाएंगी, तब तक मैं सफाई कर लूंगी किचन की, ठीक है। मोटी बाय। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो को अपने जानने वालों में शेयर भी कीजिए। तभी तो रीच बढ़ेगी, तभी तो सब्सक्राइबर फैमिली जो होगी वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको मेरी हेल्प में ये करना है कि आपको मेरा वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तभी तो जैसे जैसे वीडियो या रील्स आती जाएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।